अस्सलाम वालेकुम। तो अभी बज रहा है 12 और मैं उठ चुकी हूँ। तो अभी से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि रात को खाकर मैंने नियत कर ली थी। और आप देख सकते हो मेरे हेयर में ऑयल, मैं जा रही हूँ आज मेरा हेयर वॉश डे है, तो मैं जा रही हूँ बाथ लेने, शावर लेने। शावर लेके क्या बना रहे हो अभी? मोमबत्ती शरबत और इसमें माय गॉड ये लाल क्या लाल रू अफजा सबके घर में मिलता होगा। थोड़ा सा रू अफजा एक चम्मच थोड़ा सा, उसके बाद इसमें तरबूज दिया जाएगा ना अभी। अच्छा, मम्मी बना रही है मोहब्बती शरबत। मैं नमाज़ पढ़ के उठ चुकी हूँ, सोची कि थोड़ा ब्लॉग शूट कर लूँ। वैसे आज बहुत गर्म है कोलकाता में, बहुत ज़्यादा। पता नहीं मुझे क्यों गर्म लग रहा है, कि आप लोगों को भी गर्म लग रहा है कि नहीं आप बताइए। अभी मम्मी हमको ड्यूटी दी है झाड़ू देने का, तो मैं झाड़ू दे के आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मैं झाड़ू दे के आ गई हूँ यहाँ पर काटने के लिए। ये देखिए मैं काट चुकी हूँ, तो ये बाकी का सामान काट के मिलती हूँ क्योंकि बहुत टफ होता है एक हाथ से शूट करना और दूसरे हाथ से काम करना इतना छोटे छोटे पीसेस में। अब इसको आपको वो जो शरबत था उसके अंदर मिला देना है और फ्रीज में रख देना है। फ्रीज में स्टोर करना इसको। क्या है क्या डीप में अच्छे से रख के इसको ठंडा करना है। चील, हाँ। एकदम चील, एकदम हम चूरा बना चुके हैं पूरे अच्छे तरीके से। आज थोड़ा चूरा गड़बड़ हो गया क्योंकि मैं बनाई हूँ इसलिए, नहीं तो मम्मी बनाती तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर भी मैंने सारा फ्रूट काट के रख दिया, सिर्फ ये पोमेगेनेट यानी कि बेदाना हमसे नहीं हो रहा था। तो मेरा भाई देखो जाके, मेरा भाई आ गया मेरा हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर ऐड किया जा रहा है फ्रूट्स जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया था, तो वही सब ऐड कर रही हूँ मैं, नहीं मम्मी। डीप फ्रीजर में रखना है पर पोपट हो गया, डीप फ्रीजर में जगह ही नहीं है। पर फाइनली मम्मी जगह बना, मम्मी द बेस्ट। क्या बोल रही हूँ? इसमें गोश्त हम बना के रखे थे, ये गोश्त बना के रखे थे। क्या क्या बोले? गोश्त बना के क्या के? चिकन हम बॉईल कर दिए थे। अच्छा, थोड़ा सा मिर्चा, थोड़ा सा कच्चा मिर्चा और नमक देकर अच्छा से इसको बॉईल किए थे चिकन को, ठीक अच्छा, है ना? बोनलेस चिकन है, बोनलेस चिकन है। और उसके बाद फिर हम ब्रेड दिए और धनिया पत्ती दिए और ये ना अनियन को, अनियन को अच्छा सा पानी पूरा निचोड़ के इसको, अच्छा इसमें कोई भी पानी पूरा निचोड़ के अच्छा से इसको ऐसा पूरा ताकत लगा के आप लोग निचोड़ लीजिएगा गाइस। मसाले पेरी पेरी गरम मसाला, गरम मसाला में नमक, थोड़ा हल्दी, थोड़ा मिर्चा, थोड़ा धनिया और थोड़ा सा गुल मिर्च, सब एक साथ जाएगा, ये जाएगा इसमें और फिर सब पिसा जाएगा, पिसा जाएगा। जब ये सब डाल दो, वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना? हाँ, वेस्ट मत करिएगा गाइस, कुछ भी सब अच्छा से लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा ऑयल, ऑयल जैसा कि पिसने में कोई दिक्कत ना आए, ना 2 टीस्पून अंदाज से दे दीजिए। देने के बाद ये वाला अब मिक्सर होगा। मम्मी बना रही है चिकन आइसक्रीम, इतना मोटा। पहले आपको टिकिया बनाना है, थोड़ा सा ऑयल लेना पड़ेगा। पहले आपको उसका टिकिया बनाना है, उसके बाद देखिए, ये देखिए टिकिया बन गया।
आइसक्रीम के स्टिक। अच्छा, उसके बाद इसे लेकर ऐसा गोश्त का आइसक्रीम, चिकन आइसक्रीम, आइसक्रीम का शक्ल देते हुए, ठीक है। अच्छा अच्छा से इसे ये फटे ना। अच्छा, उसके बाद आप क्या इसमें डिप करोगे? फोन आया क्या? देखो नहीं, ऐसे ही करके सारा बना लेना है। अच्छा ऐसा, ये देखिए गाइस, ये सब काम हो चुका है। अब हम फ्राई करने जा रहे हैं। अब आप फ्राई करने जा रहे हो तो ऑयल आप इतना हो चुका है, करीब ले लो इतना, जैसे कि डीप फ्राई हो जाए। अब इसको इसमें डिप कर देना है। अच्छा से, अच्छा से करने के बाद इसके बाद ये क्या है? ये ब्रेड कम है ना। अच्छा, ऐसे प्रोसेस सभी में होगा। आप बना के रख लो या आप भजते टाइम करो, ऐसा कोई बात नहीं है। ये मम्मी सारा कुछ फ्राई कर चुकी है गाइस। हम दिखा नहीं पाए जब मम्मी फ्राई कर रही थी, क्योंकि मैं काम कर रही थी वहाँ पर। सो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। सो साकी चिकन आइसक्रीम खाते हुए, वाह मेरे लड़का कितना खपचूर है तेरा, देखो 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 मेरे छोटे मेरे लड्डू। माँ वालेकुम सलाम बेटा। ये देखिए गाइस, मेरी खाला जान माँ जान आई है ये शर्माते हुए। गाइस अभी आई है मेरा नानी जान और मेरा खाला जान आई है। सलाम करिए। सलाम वालेकुम। बेचारी इतना दूर चढ़ कर आई है, कोई बात नहीं। नानी और आंटी जा चुकी है, मैं स्कार्फ इसलिए पहन के हूँ क्योंकि मैं नीचे का नमाज पढ़ के अभी अभी उठी हूँ। सो और कुछ नहीं गाइस, अभी सहरी का इंतज़ार करना है। शायद से मम्मी सहरी में कुछ बनाएगी, आई गेस दाल पूरी बनाएंगे मम्मी। तो अभी हम लोग कुछ तो करेंगे और इसके बाद सहरी करके एक ही बार सोएंगे। सो